टीनेजर्स, यस सही सुना आपने, राइट। आज का हमारा वीडियो टाइटल है टीनेज। एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड ऑफ यू, आई वुड लाइक टू सजेस्ट फ्यू टिप्स व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर ड्यूरिंग दिस टीनेज, राइट। आपने देखा होगा कुछ टीनेजर्स डाइवर्ट हो जाते हैं अपने पाथ से, कुछ टीनेजर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल करते हैं। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा होता है? यस, तो ये जरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। So few tips can be very helpful to you to change your life, change the way of thinking, right? So please keep watching. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, so that you keep getting the notification of our next video. Let's start. So friends, first of all, before starting, let us understand what is teenage. Teenage means between 13 to 19 years. चाइल्डहुड और मिडिल एज के बीच वाला जो स्टेज है इस कॉल्ड टीनेज। इस टीनेज में अगर आप देखें तो आप जो जब छोटे थे 5 से 12 साल की उम्र, तभी आपका ब्रेन डेवलपमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास। लेकिन वही जब टीनेज जब आते हैं 13 टू 19 इयर्स, तब आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है 65% और मोर अप्रोक्सीमेटली इट इज कंसिडर। जस्ट इमेजिन मैक्सिमम ग्रोथ जो है इस टीनेज में होता है, राइट। यू गेट फिजिकली एज वेल एज इमोशनली चेंजेस इन योरसेल्फ, राइट। गर्ल्स स्टार्ट लुकिंग प्रीटी ब्यूटीफुल, वॉइस श्रिल हो जाता है, बॉयज स्टार्ट लुकिंग हैंडसम स्मार्ट फिजिकली स्ट्रांग, दिस वे दे स्टार्ट लुकिंग। यस, दिस ऑल दिस थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, brain development also takes place enormously. Now, as a teacher, as a friend of you, right, I would like to suggest few tips so that you can use your this development, this growth to the maximum, so that you can avoid few things which should not happen. So please keep watching this video, right? So hamara suggestion number one hai, you are unique. Do not compare yourself with anyone. Friends, आपको जो uniqueness दिया है वो God gift है और आपको उस uniqueness पे काम करना है। You need not to follow anyone. Girls में अगर आप देखो तो किसी को role model बनाते हैं, किसी एक लड़की जिसके dressing style, उसका behavior है, उसे follow करने की कोशिश करते हैं। बॉयज में देखो तो उसका फिजिक देख के अट्रैक्ट होते हैं, उसके स्टाइल से, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यू बी योरसेल्फ एंड यू विल बी फॉलोड बाय मेनी, राइट। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनीवन, फॉलो योरसेल्फ। ये मेरा कोट है, जरा आप जरा देखिए, हो सके तो इसे लिख के अपने रूम में रख लीजिए। आई एम यूनिक एंड आई एम नॉट रेडी टू लूज माई यूनिकनेस एट एनी कॉस्ट। आप अपने यूनिकनेस को ढूंढिए, उस पर वर्कआउट कीजिए एंड यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। हमारा सेकंड पॉइंट है, बी अ पर्सन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स। जितने हाई प्रिंसिपल्स होंगे आपके गोल और आपके स्टैंडर्ड्स भी हाई होंगे। दैट्स व्हाट यू विल अचीव समथिंग यूनिक, दैट्स व्हाट यू विल बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देयर इज अ वाइज सेइंग इन इंग्लिश, a narrow focus always brings great results. In this way, you will help out yourself in achieving something. Our third suggestion is, be wise in choosing people around you. Friends, bahut hi important suggestion hai. Please be wise, be very much wise in choosing your friends and people around you. Friends aate jaate rahenge. Friends need to be changed. People need to be changed as you are just moving ahead. Okay, so be wise in choosing people around you. Ek example deta hu. Suppose ek teenage girl hai, barabar ek baaju aapka ek friend party ke liye bula raha hai ya movie ke liye bula raha hai, right? Aur ek baaju आपकी एक फ्रेंड है जो पढ़ाई के लिए बुला रही है। यू हैव टू चूज योर प्रायोरिटी, दिस इज व्हाट यू स्टैंड फॉर। एज ए टीनेजर यू कैन टेक योर ओन डिसीजन,
ये पार्टी ये मूवी का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंट और पोस्ट इफेक्ट ऑफ दिस इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट कैन बी द पोस्ट इफेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड, राइट? नो वन कैन टेल यू, नो वन कैन एडवाइस यू, यू आर द राइट पर्सन टू चूज योर प्रायोरिटी. और नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, बहुत जरूरी है. आप अपना खुद का ख्याल रखेंगे, टॉक टू योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ केयरिंग किसे कहते हैं? जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ, गेट इन टू सम एक्टिविटीज, आपको जो पसंद है वो सारे एक्टिविटीज करो. जैसे ड्रॉइंग है तो कोई ड्रॉइंग क्लास ज्वाइन कर दो, डांस क्लास ज्वाइन करो, मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करो, फिर अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में ज्वाइन किए. ये जो सारे एक्टिविटीज मे बी आपको प्रोफेशनल नहीं बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ यूजफुल बनेंगे. सो सेल्फ केयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कीप योर सेल्फ बिजी एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन ऑल अदर थिंग्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट is you are more capable than you know. Yes, sahi kaha maine. You don't know your capacity. You are not aware of your capability. And for that, I will suggest try to have someone as a mentor. Right? Ye mentor koi bhi ho sakta hai. Right? आपकी मदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी who tells you, who knows you very well and tries to get best out of you. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टेक्स. मिस्टेक्स सही बात है, टीन एज में मिस्टेक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सब लोग मिस्टेक करते हैं, एवरी वन कमिट्स मिस्टेक. मिस्टेक करना कोई पाप नहीं है, लेकिन उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है. दैट्स व्हाई आई सेड ट्राई टू गिव टाइम टू योरसेल्फ. तो रोज अपने लिए थोड़ा टाइम दो, जिससे आप एनालाइज कर सको कि आपने क्या क्या किया, सही किया था गलत किया, कौन था साथ में कौन नहीं था, संगत सही था कि नहीं था, ये सब चीज आप एनालाइज कर सकते हैं और यू कैन डिसाइड योरसेल्फ. अ मिस्टेक if repeated becomes habit, whether it is a smoking, drinking, gambling, etc. Right? Mistake सबसे होता है, लेकिन उस mistake से बाहर आना है, उस mistake को lesson बनाना है, so that हम सीख सकें, उसे repeat नहीं करना है. अगर आप repeat करोगे, दो type की चीज बताता हूँ. देखो, a mistake repeated becomes habit. A habit makes your character. Right? Yeah, a mistake when not repeated and learned as a lesson makes your career. So ye divert, yahan path divert hota hai. Now you have to decide, aapko career banana hai ya ek character banana hai. Our next point is do not lie, jhoot. Yes, jahan mistake hota hai to jhoot uska bhai hota hai. Mistake always accompanied by a lie. Yes, to एक झूठ आप बोलोगे, दूसरा झूठ उसके साथ आएगा, तीसरा झूठ उसके साथ आएगा, इस तरह आपको कोई और गलत जगह पे, कोई और दुनिया ले चला जाएगा. आपके पहले दूसरे तीसरे झूठ तक आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको बचा सकते हैं, लेकिन जितना आप झूठ बोलते जाओगे उतना आप दुनिया से अलग होते जाओगे. यू विल गेट इनटू अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस. फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. So avoid lying, झूठ बोलना avoid कीजिए. Our next point is learn to say no. अमिताभ जी ने कहा है no means no. Yes, no means no. There is nothing, no definition for this word. There is no meaning for this word. Just no means no. Try to say this. क्यों बताओ, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी का होता है तो वो आपके फ्रेंड्स का. आपके फ्रेंड्स का इम्पैक्ट आप पे ज्यादा होता है. आप अपने पेरेंट्स से आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं, दूर होने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको कंफर्ट जोन सिर्फ आपके फ्रेंड्स दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको ज्यादा समझते हैं, और ये अगर वो आपका फ्रेंड सही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत है तो यू नीड टू डिसाइड हाउ टू से नो, यू नीड टू लर्न हाउ टू से नो, एंड अ नो कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इन योर लाइफ। जैसे मैंने एक पॉइंट पे कहा था, एक बाजू आपको मूवी पे बुलाया जा रहा है, एक बाजू में एक जगह आपको नो बोलना है, इट्स योर जस्ट ट्राई टू से नो, लर्न टू से नो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, शेयर, कीप शेयरिंग, शेयर करो, राइट, अपनी हर बात को किसी न किसी से शेयर करो, शेयर करने से आप रिलैक्स फील करोगे, शेयर करने से आपका मन हल्का हो जाएगा, वो चाहे आपकी मम्मी हो, आपका फ्रेंड हो, आपके मेंटर कोई भी हो, किसी से भी शेयर करो, शेयर करने से आपको शायद सही सजेशन मिलेगा और आप एक कमबैक कर सकते हो, राइट, शेयरिंग बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं ये सब इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आज की जो टीनेजर्स है उनको ये सारे टिप्स की बहुत जरूरत है, राइट, ये सारे टिप्स इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिसका एंड जो है बहुत ही ख़राब है, राइट, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, आइसोलेट हो जाते हैं, और ये सब चीज़ अपने आप को डाउन फील करते हैं, और ये सारी चीज़ लीड करता है द वर्ड कॉल्ड सुसाइड, एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज एनी ऑफ द टीनेजर्स because you are the future of this nation. You can do wonders if you utilize your 65% energy in doing something worthful, in doing something, in making your career, in building up your career, and in building up this nation. Okay, और I hope आपको ये video पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो please like, share और subscribe कीजिए, और bell icon press कीजिए so that हम आपको next notification भेजें हमारे next video का. Please enjoy your teenage and be happy. Okay? Bye. Bye for the day. Bye.